अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं सबके। चलो आज दोहा घूम के आते हैं कतर। आज मेरी फ़्लाइट है शारजा से दोहा के लिए। सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, दोहा उतरेगी 9 बजे। 1 घंटे का डिफरेंस है यूएई और कतर के अंदर। तो ऑफिशियल टूर पे जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अब आपको कतर भी घुमाते हैं। कतर में भी बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने की। बहुत प्यारी कंट्री है, छोटी सी गल्फ की एक। लेट्स एंजॉय। हाँ से अब रह गया है 15 किलोमीटर के करीब। आज ट्रैफिक बहुत है बॉस। गाइस देखिए, आपको ट्रैफिक दिखाने की कोशिश करते हैं कहाँ तक की है। इसको अपन थोड़ा थोड़ा जूम करेंगे क्योंकि मेरे को लगता है कि हम फ्लाइट से लेट ना हो जाए, बस ये अबे दुआ तू क्या करें। और ये हमारे फराज भाई जो है, ये इनको मैंने बोला था कि 6:30 बजे निकलेंगे, लेकिन इन्होंने बीस चीटिंग मिनट लेट चीटिंग की है। 20 मिनट नहीं, आधा घंटा लेट है ये। और आगे देख रहे, आधा घंटा लेट होने का नतीजा ये मिला इनको कि अभी डेढ़ भयंकर घंटा ट्रैफिक है, नहीं भयंकर ट्रैफिक है। मिल जाएगी ऐसा कुछ नहीं है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह साथ मैं साथ दुआ करूंगा कि मिल जाए हमें, मतलब टाइम से हम पहुंच जाए, निकल जाए ट्रैफिक से। तो बाकी देखते हैं, लेट्स सी गाइस। दोस्तों आखिरकार हम ले लिया है एग्जिट एयरपोर्ट के लिए। आधा घंटा हम ट्रैफिक में फंसे रहे, अब हम पहुंचे हैं इसी एयरपोर्ट पे। हमने एग्जिट ले लिया है। ये रहा दोस्तों एयरपोर्ट। जैसा कि आपको दिख रहा है, अरे राइवल पे के डिपार्चर पे जाना है ना भाई, क्या हो गया आपको। अच्छा ये फराज भाई अभी ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तो इनका अभी दिमाग तक काम करना दिमाग काम बंद करना बंद हो गया। ये जाना इन्होंने डिपार्चर है और ये अराइवल पे घुस रहे थे। ये तो मैं था साथ में, तो मैंने इनको रोक लिया, अदरवाइज ये घूमते घूमते रहते। तो गाइज ये डिपार्चर आ गए हैं हम लोग, ठीक है। जैसे शारजा एयरपोर्ट, शारजा एयरपोर्ट तो ठीक है, अभी मिलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इमिग्रेशन हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गया है। मैं शारजा एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। अब बस मुझे अपने गेट पे जाके एयरक्राफ्ट का वेट करना है। 9 बजे की फ़्लाइट है, अभी पूरा 1 घंटा है। लेट हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह प्रायोरिटी चेक इन कराई है और काम हो गया है हमारा। सिक्योरिटी चेकिंग बस सिर्फ बाकी है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद कोई प्रोसेस नहीं बचता है। आ गए हैं एयरक्राफ्ट में, 1 आवर जर्नी। बहुत लंबी लाइन है यार इमिग्रेशन पे। तो फ्रेंड्स लैंड हो चुके हैं कतर में। अब मैं बैगेज क्लेम की तरफ जा रहा हूँ, इमिग्रेशन कराएंगे और फिर अपने सफ़र पे निकलेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मैं उतर गया हूँ दोहा एयरपोर्ट पे।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इमिग्रेशन हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गई है, मैं बाहर आके बैठ गया हूँ। बहुत भीड़ थी, थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, फिर चलूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैठे बैठे मैंने सोचा मैं लाओ आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि इंडियंस के लिए कतर विज़िट करने का क्या प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियंस का जो वीज़ा है वो फ्री है, ऑन अराइवल वीज़ा है। इंडियन पासपोर्ट पे यहाँ पे कोई एंट्री वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड वीज़ा नहीं है, सब आपका वीज़ा फ्री है। तो आप सिंपल वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और ऑन अराइवल वीज़ा आपको यहाँ पे आके मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये लोग जो यहाँ पे चेक करते हैं वो इस चेक करते हैं कि आपने यहाँ पे कोई होटल बुकिंग है या आपका जो वीज़ा है वो कितने दिन का है, मतलब आप कितने दिन ठहरेंगे। जितने दिन आप ठहरेंगे मोस्ट प्रोबेबली ये आपको उतने दिन का ही वीज़ा देंगे। जैसे मेरा प्लान था यहाँ पे वैसे तो 30 डेज़ का, बट मेरा जो रिटर्न टिकट है वो 29th of October है, तो इन्होंने मुझे सिर्फ 20 डेज़ का ही वीज़ा दिया है। तो जितने दिन का प्लान होगा, जितने दिन आप बताओगे उतने दिन का ही आपको वीज़ा ये लोग प्रोवाइड कराएंगे मेरा। अच्छा, होटल बुकिंग यहाँ पे कराना कंपलसरी है अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं, और होटल बुकिंग भी आपको डिस्कवर कतर से करानी है। एक वेबसाइट है डिस्कवर कतर, उसमें सेलेक्टेड होटल्स हैं जिसके थ्रू आपको होटल की बुकिंग लेनी है। अदरवाइज़ ये लोग उसमें फिर प्रॉब्लम करते हैं इमिग्रेशन करने में, आपको एंटर नहीं होने देंगे या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप दोहा एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं तो लैंड होने के बाद इमिग्रेशन से पहले आपको डिस्कवर कतर के ऑफिस जाना होगा। मतलब एक इन्होंने डेस्क बना रखी है, उस डेस्क पे आपको जाके वहाँ से स्टाम्प लगवानी है डिस्कवर कतर की, और फिर आप इमिग्रेशन पे जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट अपना टिकट लेके और होटल बुकिंग लेके अगर आप डिस्कवर कतर पे चले गए तो सॉरी इमिग्रेशन पे चले गए तो ये आपको वापस रिटर्न कर देंगे और बताएंगे, बोलेंगे बोले कि आप डिस्कवर कतर से अपना स्टाम्प लगवा के लेके आओ। अच्छा, तीसरी जो मैंडेटरी चीज़ है यहाँ के लिए वो है इंश्योरेंस। आपके पास आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, और 1 मंथ का वैसे हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे 50 दिरहम 50 कतरी रियाल इंडियन रुपीज़ के मेरे हिसाब से कहूँ तो 1100-1200 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से ये बन जाता है, मिल जाता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये मैं तीन चीज़ें मैंडेटरी हैं। फर्स्ट, आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, ऑन अराइवल आपका वीज़ा है यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट के ऊपर। दूसरी चीज़, आपके पास होटल टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए डिस्कवर कतर के थ्रू। और थर्ड थिंग जो है वो आपका है हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये चार चीज़ें कंपलसरी हैं, उसके बाद आप कतर आएँ, विज़िट करें। बड़ी प्यारी कंट्री है, छोटी सी गल्फ कंट्री है, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे घूमने में। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट से होटल की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक बड़े मज़े की बात है कि यहाँ पे एक्सपो 2023 दोहा कतर चली हुई लग रही है, तो वो भी अपन को घूमने का मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये रोड लाइट है, इसके ऊपर पूरा कुरानिक आयतें लिखी हुई हैं, और नाइट में ये पिलर बड़े खूबसूरत लगते हैं जब ये चमकते हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक, पूरे कुरान की आयतें ये चमकती हैं कि परी देखें। नाइट में भी आपको टूर कराऊंगा इंशाल्लाह। फ्रेंड्स देखें, ये वर्ल्ड कप स्टेडियम है 974, और ये निकल गया है, ये स्टेडियम है फीफा वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे। और इसकी ख़ास बात ये थी कि ये पूरा का पूरा जो स्टेडियम है ये कंटेनर्स पे बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं,
अभी आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ लाइफ इन कल्प में।